भाइयों बहनों, मैं आपके सामने रोजलीन दास आज फिर ईश्वर के कुछ वचनों के साथ। तो आइए हम एक वीडियो बनाएंगे प्रभु के वचनों के साथ, जो हमारे प्रार्थना करने में सहायक होंगे। और मैंने आज का जो विषय लिया है वो है विपरीत परिस्थितियों में आनंद, जिसके लिए मैंने बाइबल से वचन लिया है प्रेरितों के काम उसका अध्याय 16 और वाक्यांश 23 से 25। और बेंत से बहुत पिटवा कर उन्हें बंदीगृह में डाल दिया और उनके पैर काठ में जकड़ दिए। सांसारिक आनंद परिस्थितियों पर निर्भर होता है और अनुकूल परिस्थितियों में ही हम इसे अनुभव कर सकते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में दूर दूर तक इस आनंद का पता नहीं चलता। सांसारिक आनंद उपलब्धियों पर, सफलताओं पर, किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु पर निर्भर होता है, जबकि संसार की सभी वस्तुएं क्षणिक एवं अस्थाई हैं। इसलिए इन पर निर्भर आनंद भी क्षणिक और अस्थाई होता है। परंतु हम स्थाई आनंद किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं? पौलुस और सीलास के विश्वास को हम देख सकते हैं कि जब उन्हें 39-39 कोड़े लगवाए गए, बिना किसी अपराध के उन्हें कैद खाने की अंधेरी सीलन भरी कोठरी में बेड़ियों से जकड़कर बंद कर दिया गया, फिर भी उन्होंने परमेश्वर से कोई प्रश्न नहीं किया। उन्होंने ना तो अपनी परिस्थिति पर आंसू बहाए और ना ही उन्होंने किसी की आलोचना की। यहाँ पर हमें सिर्फ उनका विश्वास दिखाई देता है। हमें प्रभु यीशु मसीह के लहू द्वारा उपलब्ध पापों की क्षमा पर एवं उनके अनुग्रह से प्राप्त उद्धार और अनंत जीवन पर विश्वास करना है। ईश्वर है और अपने ढूंढने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें अपनी दृष्टि ईश्वर पर और अनंत पर केंद्रित करना है, तब हम अपनी स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रियाओं से उबर कर आशा में आनंदित रह सकेंगे। हमें परमेश्वर के प्रेम और उसकी प्रतिज्ञाओं को स्मरण रखना है, ताकि क्लेश, संकट, सताव, अकाल, मृत्यु, जीवन, स्वर्गदूत, प्रधानताएं और ना कोई अन्य हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सके। हम उसमें जयवंत हो से भी बढ़कर हों। जो लोग उससे प्रेम करते हैं उसके लिए वह सब बातों के द्वारा भलाई को उत्पन्न करता है। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार हमारे साथ है। यदि भी दुख, बीमारी, संकट, पीड़ा, मृत्यु के क्षणों में शैतान बार बार हमें ईश्वर से दूर करने का प्रयास करता है, परंतु ईश्वर के विचार, उसकी योजनाएं, उसकी कार्यप्रणाली हमारे सोच विचार से बिल्कुल भिन्न है। परमेश्वर हर विषम परिस्थितियों में अपने धर्म में दाहिने हाथ से हमें संभालता है, अपनी गोद में उठाकर हमें शांति, सामर्थ, दृढ़ता प्रदान करता है। उस पर संपूर्ण भरोसा हमें नकारात्मक प्रतिक्रियाओं से बचाकर शांति और आनंद प्रदान करता है। भाइयों बहनों, इसी विषय पर मैंने कुछ वचन और लिए हैं बाइबल से, जो इस प्रकार हैं। पहला वचन जो है भाई मैंने वो है, प्रभु अपनी प्रजा को सांत्वना देता और अपने दीनहीन लोगों पर दया करता है, आमीन। ये वचन मैंने लिया है ईसाया की पुस्तक से, उसका अध्याय 49 और पद संख्या 13। दूसरा वचन मैंने लिया है भाइयों बहनों वो है ईसाया की पुस्तक से अध्याय 25 और उसका पद संख्या 8। प्रभु ईश्वर सबों के मुख से आंसू पोंछ डालेगा, वह समस्त पृथ्वी पर से अपनी प्रजा कलंक दूर कर देगा, आमीन। तीसरा वचन जो मैंने लिया है भाइयों बहनों वो है स्त्रोत ग्रंथ से, उसका अध्याय 56 और उसका पद संख्या 9। मेरी विपत्तियों का विवरण और मेरी आंसुओं का लेखा तेरे पास है,
और इसी प्रकार स्रोत ग्रंथ से एक वचन और लिया है मैंने, स्रोत 56 उसका पद संख्या 10। जिस दिन मैं तेरी दुहाई दूंगा उस दिन मेरे शत्रुओं को पीछे हटना पड़ेगा, मुझे दृढ़ विश्वास है कि ईश्वर मेरे साथ है, आमीन। फिर मैंने एक वचन और लिया है भाई मनु स्रोत ग्रंथ से ही, स्रोत का 119 उसका पद संख्या 76। तेरा प्रेम मुझे सांत्वना प्रदान करता रहे जैसा कि तूने अपने सेवक से प्रतिज्ञा की है, आमीन। और स्रोत के 119 का ही मैंने 77 लिया है, पद संख्या 77। तेरी असीम अनुकंपा मुझे मिलती रहे जिससे मैं जीवित रहूं क्योंकि तेरी संहिता मुझे परम प्रिय है, आमीन। उसके बाद मैंने प्रवक्ता ग्रंथ से लिया है, प्रवक्ता का 2 उसका पद संख्या 4 और 5। जो कुछ तुम पर बीतेगा उसे स्वीकार करो तथा दुख और विपत्ति में घोर बने रहो, धीर बने रहो, क्योंकि अग्नि में स्वर्ण की परख होती है और दीनहीनता की घरिया में ईश्वर काते प्रसन्न हो। जिस दिन मसीह की महिमा प्रकट होगी आप लोग अत्यधिक आनंद हो उठेंगे, आमीन। फिर मैंने वचन लिया है स्रोत ग्रंथ से उसका अध्याय 10 और पद संख्या 14। तू कष्ट और दुख देखता है और हस्तक्षेप करने का ध्यान रखता है, दीनहीन अपने को तुझ पर छोड़ देता है, तू अनाथ की सहायता करता है, आमीन। फिर मैंने स्रोत ग्रंथ से ही लिया है भाइयों बहनों उसका पद अध्याय 18 और पद संख्या 6 और 7। मैं अधोलोक के जाल में फंस गया था, मेरे लिए मृत्यु का फंदा बिछाया गया था, मैंने अपने संकट में प्रभु को पुकारा, मैंने अपने ईश्वर की दुहाई दी, उसने अपने मंदिर में मेरी वाणी सुनी, मेरी दुहाई उसके कान तक पहुंची, आमीन। इसके बाद मैंने स्रोत से ही लिया है स्रोत ग्रंथ से उसका अध्याय 43 और पद संख्या 5। मेरी आत्मा उदास क्यों हो, क्यों आह भरती हो, ईश्वर पर भरोसा रखो, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा, वह मेरा मुक्तिदाता और मेरा ईश्वर है, आमीन। और फिर मैंने एक वचन लिया है भाइयों मैंने वह है ईसाया भविष्यवक्ता का उसका अध्याय 33 और पद संख्या 2। प्रभु तू हम पर दया कर, तुझ पर भरोसा है, तू हर सुबह हमें बल प्रदान कर, तू विपत्ति में हमारी रक्षा कर, आमीन। और फिर मैंने यूहन रचित सुसमाचार से लिया है उसका अध्याय 14 और पद संख्या 18। मैं तुम लोगों को अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा, आमीन। भाइयों बहनों ये कुछ वचन मैंने बाइबल से लिए हैं जिनको पढ़कर आप प्रार्थना कर सकते हैं, और मैं जानती हूँ वचन में बहुत बड़ी शक्ति है भाई बहनों, और मैं आज आपके सामने इतने ही वचन को लेकर मैं आप उपस्थित हुई हूँ। आगे मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगी वचनों को लेकर, फिर से मैं आपके सामने उपस्थित होंगी। आप अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए, और प्रार्थना विनती द्वारा ईश्वर के साथ संदिग्ध में हमेशा बने रहिए। आइए भाई बहनों हम एक छोटी सी विनती में प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हमारी सहायता कर कि हम तुझ पर संपूर्णता से विश्वास करना सीखें, ताकि जो आनंद तू हमें देता है उसे हम महसूस कर सकें, आमीन। धन्यवाद। जय शिव भाई।